एक तरफ संसद का सत्र चल रहा है, ठीक उसी समय एक बार फिर देश का अन्नदाता जंतर मंतर पर आकर बैठने को मजबूर हो रहा है। क्यों आपको यहाँ आकर बैठना पड़ा? क्यों हमें यहाँ पर एक बार फिर से किसानों की आवाज को उठाना पड़ रहा है? मैं हर अन्नदाता को, किसान को कांग्रेस की तरह से विश्वास दिलाती हूँ कि केंद्र की सरकार, तानाशाह सरकार को भूलना नहीं चाहिए कि इस देश का अन्नदाता जब सड़कों पर आया, इस तानाशाह सरकार को घुटनों पर आने को मजबूर होना पड़ा। हमें ये कानून वापस आसानी से नहीं, 700 से अधिक किसानों ने कुर्बानी दी, उन कुर्बानियों का नतीजा ये रहा कि सरकार तानाशाह झुकी और कानून वापस हुए। लेकिन आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने तय किया है, खड़गे साहब ने तय किया है कि इस संसद सत्र में हम किसानों का मुद्दा सबसे आगे लेकर चलेंगे। हमसे वादा किया गया किसानों के साथ कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कमेटी बनाएंगे, हम कानून लाएंगे। लेकिन धोखा हो रहा है, ना कमेटी बनी, ना कमेटी की मीटिंग हो रही है और ना MSP पे कानून आ रहा है। आए दुगनी का वायदा 9 साल पूरे होने वाले केंद्र की भाजपा सरकार को और 2024 का चुनाव स्तर पर खड़ा है, आए दुगनी नहीं हुई। आज मैं यहाँ पर किसानों को कहना चाहती हूँ, हिमाचल की जीत किसान से बागवानों की जीत है। हिमाचल के अंदर किसान से बागवानों को उचित दाम नहीं मिल रहा था। एक पूंजीपति मित्र के हाथों हिमाचल शिमला के हमारे जो सेब बागवान है उनका शोषण हो रहा था। सेब बागवान दाम तय नहीं कर पा रहे थे, दाम तय कर रहा था एक पूंजीपति मित्र। GST 12 से 18% का टूल पे कर दी। किसान रोता रहा, डबल इंजन की भाजपा सरकार, तानाशाह सरकार पर असर नहीं हुआ। लेकिन जब वोट पड़ा डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी आपके सारे दौरे, आपके सारे जुमले भरे रह गए और हिमाचल में डबल इंजन की भाजपा सरकार औंधे मुंह आकर गिरी और वहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी। मैं बधाई देती हूँ, मैं आपको बधाई देती हूँ जो कांग्रेस मुक्त का सपना लेकर देश में घूम रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार और हिमाचल में हमारी सरकार के पन्ने से ये तय हो गया है कि भाजपा जितनी ताकत लगा लो ये भारत कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता है। और अब तो भारत जोड़ो यात्रा का तिरंगा हाथ में लेकर श्री राहुल गांधी जी इस समय कन्याकुमारी से राजस्थान पहुंच चुके हैं। जल्द ये यात्रा हमारी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली होते हुए जम्मू कश्मीर से श्रीनगर 26 जनवरी को तिरंगा लहरा कर दिखाएंगे और इस यात्रा के मुद्दों पर हम 2024 के चुनावों में भी जाएंगे। मैं यहाँ पर सबको कहूँ, भाजपा प्रशासन ने ताकत लगा दी है, उन्हें लगता है कि इस आंदोलन से पूरे देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन कहीं उठ खड़ा ना हो। वो आवाजें पंजाब, हम देख रहे हैं सुखपाल खैरा जी जिस पंजाब से आते हैं, वहां के मुख्यमंत्री के घर का घेराव करके कितने किलोमीटर तक हमारा किसान बैठा हुआ, लाठी चार्ज हुआ हमारे किसान मजदूरों पर वो वहां पर आज भी डटा हुआ। क्योंकि आपकी लड़ाई सत्ता तक की थी, पर कांग्रेस की लड़ाई सत्ता तक नहीं थी। इस यूं ही 137 साल की पार्टी आज भी आपके बीच में कोई ताकत बनकर नहीं खड़ेगी। हमने हर बार साबित किया है, हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। अगर हिम्मत हारे होते तो श्री राहुल गांधी जी यूं ना चले। 3,572 किलोमीटर का सफर, मैं आपसे कहूँ
हमारे बीच में कांग्रेस के महासचिव, राज्यसभा सांसद हरियाणा से किसानों के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी पहुंच चुके हैं। हम सब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व देश के कोने कोने से सुखपाल सिंह खेरा जी आपको, आपके किसान संगठन को विश्वास दिलाता है कि पूरे देश की कांग्रेस श्री राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी आज उनका जन्म दिवस और आज श्रीमती सोनिया गांधी जी के जन्म दिवस पर किसानों ने यहाँ पर आकर जो ताकत किसानों की आवाज को दी है, इससे बड़ा तोहफा श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए भी हमारे किसान संगठन की तरफ से नहीं हो सकता। मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद दिलाती हूँ आपका यहाँ पर आना हमारे देश के करोड़ों किसानों की उम्मीद बन गया है। आप किसानों की उम्मीद को मत दीजिएगा, ये जनता मंत्र की आवाज खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।